चलिए गुड आफ्टरनून, मेरा नाम है रुपेंद्र कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं शर्मा कोचिंग क्लासेस। चलिए ज्वाइन कीजिए मुझे, चालू कीजिए क्योंकि सेशन इज़ ऑन। सेशन ऑन हो गया है लाइव टेस्ट सीरीज का, जो कि हमेशा होता है, पर डे होता है। तो जल्दी से जल्दी जितने भी विद्यार्थी हैं सभी मुझे, जितने भी स्टूडेंट्स हैं, नोटिफिकेशन मिलना चालू होगा और आप ज्वाइन करना चालू करेंगे। और जितने भी नए लोग हैं, आप उसको ज्वाइन करेंगे जल्दी से जल्दी। है ना, तब तक मैं ग्रुप्स में शेयर कर दे रहा हूँ, जितने भी हमारे पैड ग्रुप्स है तब तक मैं शेयर कर रहा हूँ, तब तक आप सभी ज्वाइन कीजिए आके। चलिए पहुँच जाइए फटाक से। चलिए जल्दी से जल्दी आ जाइए, सबके सब पहुँचेंगे, है ना, सबके सब पहुँचेंगे टेस्ट सीरीज के लिए। सभी पहुँच जाइए टेस्ट सीरीज के लिए, जितने भी स्टूडेंट्स हैं सब पहुँच जाइए टेस्ट सीरीज के लिए, है ना। फिर हम सेशन को ऑन करेंगे। चलो शेयर हो चुका है, चलिए शेयर हो गया है, अब चालू करेंगे सेशन को। हाय सभी को, नमस्ते नमस्ते। नोटिफिकेशन मिलना चालू होगा, जल्दी से जल्दी ऐड हो जाइए। 1 बजे हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सब ऐड हो जाएंगे। 1 बजे हमारा टेस्ट सीरीज चालू हो जाएगा, है ना। तो जल्दी से 2 मिनट पहले आने का मतलब यही है कि कम से कम सब के सब ऐड हो जाओ, ठीक है। जल्दी जल्दी सब ऐड हो जाइए। चलिए पहुंच जाइए फटाक से। चलिए गुड आफ्टरनून, हेलो सभी को, ठीक है। तो ये कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट करना। इसी प्रकार की टेस्ट सीरीज हम रेगुलर ले रहे हैं और CGPSC की क्लासेस भी चल रही है हमारी, ठीक है। साथ में बता दूं कि जो स्टूडेंट हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं ज्वाइन किए हैं, शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करना। मेन टेलीग्राम है ये, मुझे व्हाट्सअप पे भी फॉलो कर सकते हो, साथ में इंस्टाग्राम पे भी मुझे DM करके बात कर सकते हो, या फिर आप यहाँ से भी हर प्रकार की जानकारी ले सकते हो, ठीक है ना। चलिए अब जल्दी से हम सेशन को ऑन करते हैं। चलिए पहला जो क्वेश्चन है वो मैं आपके स्क्रीन पे लगा दे रहा हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो। चलिए चालू कीजिए, तब तक मैं और भी लोगों को शेयर कर रहा हूँ वीडियो को, आप इसको चालू कीजिए। जल्दी से जल्दी चालू कीजिए फटाक से। पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, किस वाकाटक नरेश के समय दक्षिण कौशल पर वाकाटकों का अधिकार पहली बार स्थापित हुआ है। जवाब दीजिए कमेंट करके, जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए, है ना। क्वेश्चन अच्छा है, तब तक मैं और भी ग्रुप में शेयर कर दे रहा हूँ इसको। ज्वाइन करो फटाफट। चलिए तो लोगों का आंसर आना चालू हो गया है क्या? सही आंसर इसका है C, प्रवर सेन प्रथम इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इसका सही जवाब है, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। चलिए आगे लेके चलता हूँ मैं। गुप्त शासक सम्राट समुद्रगुप्त के दक्षिण पथ अभियान के समय
दक्षिण कौशल के राजा कौन थे? बताइए कमेंट करके, दक्षिण कौशल के राजा उस समय कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है ये, ये भी गलत नहीं होना चाहिए, जवाब दो कमेंट करके, दक्षिण कौशल के राजा कौन थे उस समय? अच्छा क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जवाब दो कमेंट करके, दक्षिण कौशल के राजा कौन थे कमेंट करके जवाब दो। हाँ देखो इसका सही आंसर मैं दे देता हूँ, सही आंसर है डी, राजा महेंद्र। कौन थे? राजा महेंद्र थे, इस बात को याद रखिए, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे कि रत्नपुर राज्य के किस कलचूरी राजा के प्रधानमंत्री गंगाधर रत्नपुर नगर के निकट एक वीरा देवी शक्ति का एक रूप मंदिर का निर्माण करवाया था? बताइए, बढ़िया क्वेश्चन है ये, लंबा है पर बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा इसका आंसर जवाब दीजिए, ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जवाब दीजिए कमेंट करके। बहुत लोगों का जवाब सही आ रहा है, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, रत्नदेव तृतीय, रत्नदेव तृतीय इज़ द करेक्ट आंसर, रत्नदेव तृतीय इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है ना। सही जवाब है सी, रत्नदेव तृतीय, इसको याद रखिए, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेवल अप है थोड़ा सा, एग्ज़ाम में आता है, तो थोड़ा सा इसको अच्छे से करते चलिए, ठीक है ना। आगे आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन लगा दे रहा हूँ मैं, चलिए लग गया क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ क्षेत्र के किस मराठा शासक ने रत्नपुर रायपुर को प्रशासनिक दृष्टि से एक राज्य बनाकर सरकार को सर्वप्रथम किस राज्य की संज्ञा प्रदान की थी? जवाब दीजिए कमेंट करके। जय हिंद सभी को, चलो कमेंट का जवाब दो। जवाब दो कमेंट करके, बढ़िया क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन थोड़े से अपर लेवल के क्वेश्चन है पर एग्जाम में आते हैं, ठीक है। सही जवाब है बिंबाजी भोसले इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए स्वाधीनता आंदोलन के समय छत्तीसगढ़ के परिक्षेत्र की किस प्रांतीय राजनीतिक परिषद में हिंदी केसरी पत्रिका निकालने का दायित्व पंडित माधवराव सप्रे को सौंपा गया? चलो जवाब दो कमेंट करके, जवाब दो कमेंट करके, किसको सौंपा गया? कमेंट करके जवाब दो किसको सौंपा गया। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये, सारे क्वेश्चन आसानी से बनेंगे नहीं, थोड़ा पढ़ना पड़ता है सब चीज़ों को, है ना। सी इज़ द करेक्ट आंसर, तृतीय परिषद में, किसमें है? तृतीय परिषद में, याद रखिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ब्रिटिश शासन के विरोध में हिंदी केसरी में प्रकाशित लेखों को देश की दुर्दशा व बम गोले का रहस्य के कारण किस स्वाधीनता सेनानी के विचार लेखक को 1908 में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था? जवाब दो कमेंट करके, बढ़िया क्वेश्चन है ये, अप लेवल के क्वेश्चन है ना, थोड़े से क्वेश्चन अप लेवल के है, है ना, थोड़े से क्वेश्चन अप लेवल के है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते भी है, ठीक है। हम हर प्रकार के लेवल के क्वेश्चन को अपने टेस्ट सीरीज में कवर कर रहे हैं, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत जिनको नहीं पता होगा तो थोड़ा सा पढ़ के आइए, ठीक है। हाँ याद रखिए, डी इज़ द करेक्ट आंसर, पंडित माधवराव सप्रे इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला आप देखेंगे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसने छत्तीसगढ़ परिक्षेत्र में बम के द्वारा ब्रिटिश शासन के ऊपर सांकेतिक प्रहार की क्रांतिकारी योजना प्रस्तुत की थी? जवाब दीजिए,
किसने प्रस्तुत की थी? बढ़िया क्वेश्चन है ये। अरे ये थोड़े से अच्छे क्वेश्चन हैं हमारे, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन हम रखते हैं क्वेश्चन, है ना। तो याद रखिए सही आंसर है पंडित, हाँ नहीं पंडित नहीं, इसका सही आंसर है राम नारायण मिश्र हर्षुल इज द करेक्ट आंसर। शाबाश हर्षल, ठीक है शाबाश। अगला आप देखेंगे कि मध्य प्रांत एवं बरवार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति निम्न में से कौन थे? मध्य प्रांत एवं बरार के गवर्नर के पद पर नियुक्त होने वाले छत्तीसगढ़ के प्रथम व्यक्ति कौन थे? जवाब दीजिए कमेंट करके। बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कमेंट करके। हाँ ए ई राजेंद्र राव इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला आप देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम कल्पना किसने की थी? ये बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। छत्तीसगढ़ राज्य की सर्वप्रथम कल्पना किसने की थी? कमेंट करके जवाब दीजिए। किसने की थी जवाब दीजिए कमेंट करके। बढ़िया क्वेश्चन है ये, आता है एग्जाम में। बहुत सही जवाब है पंडित सुंदरलाल शर्मा इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन का मूल कारण निम्न में से कौन सा था? जवाब दीजिए। पृथक छत्तीसगढ़ आंदोलन का मूल कारण निम्न में से कौन सा था? जवाब दो कमेंट करके। बढ़िया क्वेश्चन है ये भी ना। बहुत सही जवाब आ रहा है जनजातियों की जमीन एवं पहचान इज द करेक्ट आंसर, शाबाश वेरी गुड शाबाश शाबाश। अगला देखेंगे कि पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के विषय में कौन सर्वप्रथम किसने आंदोलन का रूप प्रदान किया था? पृथक छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण के विषय को सर्वप्रथम किसने आंदोलन का रूप प्रदान किया था? जवाब दीजिए कमेंट करके। बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। देखिए सही आंसर है डॉक्टर खूबचंद बघेल इज द करेक्ट आंसर, ठीक है याद रखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है ये पूरे। चलिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर लगा दिया जा रहा है कि पुरातत्व विभाग के एक संरक्षण के अनुसार 2500 साल पुराने बंदरगाह का अवशेष छत्तीसगढ़ राज्य में मिला है, कहाँ मिला है बताइए, जवाब दे के मुझे। कहाँ मिला है जवाब दो कमेंट करके मुझे। चलो बढ़िया क्वेश्चन है ये सारे, अंदर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लेके आप लोगों को कवर करा रहा हूँ मैं। हाँ तो जो बच्चे ए के साथ जा रहे हैं गरियाबंद पांडुका पैरी नदी इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड शाबाश। अगला आप देखेंगे रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के संस्थापक है, रामकृष्ण मिशन विवेकानंद आश्रम के संस्थापक कौन थे बताइए कमेंट करके मुझे, कौन थे? बढ़िया क्वेश्चन है ये, क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन है छत्तीसगढ़ के, जवाब दीजिए।
ठीक है, बहुत सही जवाब आ रहा है, स्वामी आत्मानंद इज द करेक्ट आंसर। शाबाश शाबाश, ए इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। किस वंश के शासक को लिंगाधिपति विरुद्ध धारण करते थे? जवाब दीजिए। जवाब दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी ना, कौन से वंश के शासक थे वो? वैसे ये त्रिकलिंगाधिपति है ना, त्रिकलिंगाधिपति होगा, ठीक है क्वेश्चन, ठीक है, सोम वंश इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहादुर दाई कलारीन की माची निम्न में क्या है? बहादुर दाई कलारीन की माची निम्न में से क्या है? जवाब दो कमेंट करके, क्या है? जवाब दो कमेंट करके, क्या है? बढ़िया क्वेश्चन है, जवाब दो कमेंट करके, क्या है ये? हाँ, जो बच्चे बोल रहे हैं प्राचीन स्मारक है, इज द करेक्ट आंसर, प्राचीन स्मारक है, वेरी गुड शाबाश। अगला देखेंगे, चलिए सुमिलित करने वाला आ गया है, नीचे और भी क्वेश्चंस। अच्छा ये, हाँ ठीक है ये क्वेश्चन, चलिए निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ के कदर राज्य एवं उनके राजवंश को सुमिलित नहीं करती? देखिए नहीं करती, नेगेटिव क्वेश्चन है ना, याद रखिए, नहीं करती नेगेटिव क्वेश्चन है, याद रखिए आप लोग, ठीक है। चलिए आराम से देख लीजिए, पेयर को देख के जवाब देना। हाँ तो डी इज द करेक्ट आंसर, राजनांदगांव कुशवाहा इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा ऐतिहासिक साक्ष्य छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास का महत्वपूर्ण स्रोत है? स्रोत को इंग्लिश में बोलते हैं सोर्स, याद रखिए ना, क्या बोलते हैं? सोर्स बोलते हैं, याद रखिए इस चीज को। जवाब देंगे, चलो जवाब दो कमेंट करके, शाबाश, वेरी गुड। राजिम अभिलेख इज द करेक्ट आंसर, राजिम अभिलेख इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, चलिए छत्तीसगढ़ में तुरतुरिया किस ऋषि से संबंध है? जवाब दीजिए, बढ़िया क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, जवाब दो कमेंट करके। और जो नए आ रहे हैं याद रखिए, आप सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ना, सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि हमारे वीडियो का और बेल आइकन को हिट करके ऑल का नोटिफिकेशन दबाना, तभी हमारे वीडियो की सारी नोटिफिकेशन आपको समय से मिल पाएगी, ठीक है ना। जो भी नए आ रहे हैं, नए ज्वाइन कर रहे हैं मेरे को आज, है ना, ठीक है, सही है, ऋषि वाल्मीकि इज़ द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड। लाइक ज़रूर करना वीडियो को, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे आप, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी प्राचीन छत्तीसगढ़ का राजवंश और शासक सुमिलित करता है? सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है ना, जवाब दो। चलिए बताइए, सुमिलित करने वाला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए। जवाब दो कमेंट करके, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, जो बी बोल रहे हैं,
पांडव मतलब महर्षि गुप्त बालार्जुन इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला, किस अभिलेख में उल्लेखित है कि समुद्रगुप्त ने दक्षिण पथ अभियान के दौरान कौशल के राजा महेंद्र को पराजित किया था? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए कमेंट करके, किसने पराजित किया था जवाब दीजिए कमेंट करके। बहुत सही है, प्रयाग प्रसिद्ध, वेरी गुड, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ में प्राचीन काल में शासन करने वाले सर्वपुरी राजवंश का राजधर्म निम्नलिखित में से क्या था? जवाब दीजिए, क्या था? जवाब तो कमेंट करके। बहुत बढ़िया, शाबाश, वैष्णो इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। अगला आप देखेंगे, ऋषिपुर ताम्रपत्र और केसरी बेड़ा ताम्रपत्र दक्षिण कौशल के किस राजवंश के साथ ऐतिहासिक प्रमाण है? बताइए, जवाब दीजिए, ऐतिहासिक प्रमाण है, जवाब दीजिए। शाबाश, नल वंश इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अगला आप देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा कलचुरी शासन व्यवस्था का अधिकारी था? बताइए, जवाब दीजिए। अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। उपरोक्त सभी इज द करेक्ट आंसर, दीवान दाव गोटिया इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड, तीनों थे ना, शाबाश। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हे है कलचुरी वंश को पराजित करने वाला मराठा कौन था? जवाब दीजिए, कौन था मराठा, जवाब दीजिए कमेंट करके। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना ये, सही जवाब, बिल्कुल सही है, भोसले इज द करेक्ट आंसर, शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन, रत्नपुर के शासक को मुगल सम्राट जहांगीर की हजरी में 8 वर्षों तक रहना पड़ा था? कौन से शासक थे बताइए, जवाब दीजिए, कौन से शासक थे बताइए मुझे। बिल्कुल सही है, राजा कल्याण शाह इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, वेरी गुड। अगला देखेंगे, छत्तीसगढ़ में मराठा शासन व्यवस्था में कलचुरी काल का कौन सा पद नियमित बना रहा था? जवाब दीजिए, कौन सा पद नियमित बना रहा था? जवाब दीजिए, घोटिया इज द करेक्ट आंसर, शाबाश, वेरी गुड, वेरी गुड। लाइक ज़रूर करना अगर आपको हमारा टेस्ट सीरीज अच्छा लगता हो तो, ठीक है ना। चलिए अगला, बस्तर का खूनी इतिहास के लेखक कौन थे? बताइए कमेंट करके।
बस्तर के खूनी इतिहास के लेखक कौन थे बताइए कमेंट करके। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है ना, आता एग्ज़ाम में। बस्तर के खूनी इतिहास के लेखक कौन थे बताइए कमेंट करके। हाँ बहुत सही जवाब आ रहा है, केदारनाथ ठाकुर इज़ द करेक्ट आंसर। वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे बताइए। बढ़िया क्वेश्चन है विना। 1857 1857 की क्रांति के समय रायपुर के डिप्टी कमिश्नर कौन थे, ये पता होना चाहिए। ये सारे क्वेश्चन अंदर के क्वेश्चन होते हैं ना, इसलिए हम क्वेश्चन का टेस्ट लेते हैं कि आपको सारे क्वेश्चन निकाल के दे सके। ठीक है जवाब दीजिए। बहुत सही जवाब, कैप्टन इलियट। कैप्टन इलियट इज अ करेक्ट आंसर, वेरी गुड शाबाश। चलिए अगला क्वेश्चन आप देखेंगे। अगस्त 1942 को छत्तीसगढ़ के रायपुर में निकाले विशाल जुलूस को नियंत्रित करने वाले निम्नलिखित में से कौन नहीं था। नहीं था मतलब याद रखिए, नेगेटिव क्वेश्चन बना रहा है ना, नहीं था नेगेटिव क्वेश्चन बना रहा है, याद रखिए ना, नेगेटिव बना रहा है। ठीक है जवाब दीजिए, कौन नहीं था। बढ़िया क्वेश्चन है, गलती नहीं होना चाहिए, सारे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। वामन राव लाखे नहीं थे, याद रखिए, यहाँ पे गलती नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रांत की विधानसभा परिषद में 1924 से 26 तक छत्तीसगढ़ में निर्वाचित स्वराज दल के सदस्य निम्नलिखित में से कौन से थे। बढ़िया क्वेश्चन है, अच्छा अंदर वाला क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कौन थे। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, अंदर क्वेश्चन है, जवाब दीजिए कौन थे। क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए, अच्छा क्वेश्चन है ये। सी इज द करेक्ट, कौन थे सी, सी थोड़ा सा इसमें, हाँ करेक्ट आंसर आ गया है। अच्छा ये याद रखिए, इसमें ऑप्शन एक तो और भी है ना, थोड़ा सा ये ऐसा है क्वेश्चन, ठीक है ना, क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसा है, पूरा कर दे रहा हूँ मैं। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी, सभी व्यक्ति थे ना, याद रखिए इसमें, ठीक है ना, वो छुप गया था ऑप्शन। ठीक है चलिए, तो ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर है, जो बच्चा पैड क्लासेस हमारी ज्वाइन करना चाहता है वो इस पे कॉल करके मुझसे बात कर सकता है ना। ठीक है ना, तो किसी प्रकार का लाइक कर दो, सभी हमारे डेली क्लास ले रहे हैं, है ना, डेली टेस्ट सीरीज चल रही है, अराउंड 30-30 क्वेश्चन की, 420 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं अभी तक, टोटल 420 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, और टोटल अभी सिर्फ हिस्ट्री में 420 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया है, ऐसे तो हमने 2500 क्वेश्चन की टेस्ट ले चुके हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, तो याद रखिए ये मेरा नंबर है, अगर किसी को पैड क्लासेस ज्वाइन करना है, हम CGPSC प्री, पटवारी, रेवेन्यू इंस्पेक्टर, हॉस्टल वार्डन, असिस्टेंट प्रोफेसर और SCF के सारे पैड कोर्सेज हम चला रहे हैं, क्वालिटी बेस पे चल रही है, कंटेंट बेस पे चल रहा है, वीडियो सीरीज साथ में PDF सब दे रहे हैं ना, साथ में आपको हम PDF भी दे रहे हैं और प्लस वीडियो सीरीज भी दे रहे हैं, और टेस्ट सीरीज तो आपको लाइव मिल ही रहा है, जो रेगुलर मिल रहा है। ठीक है, तो जो बच्चे ज्वाइन करना चाहता है जुड़ सकता है, और साथ में बता दूं कि सभी को है ना, कि किसी प्रकार की समस्या आने पर इस नंबर पर आप कॉल करके अपनी समस्या को या फिर कोर्सेज के बारे में जानकारी आप ले सकते हैं। ठीक है, तो जो भी नया होगा सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना वीडियो को, जो पुराने लोग तो लाइक सब्सक्राइब करके बैठे हुए हैं, और रात को 9 बजे CGPSC पैड वाले को उद्योग का पार्ट नंबर 4 है शायद वो मिल जाएगा,
वो सारे पार्ट कंप्लीट होने के बाद उसका इकट्ठा एक पीडीएफ दिया जाएगा, ठीक है ना, उसका इकट्ठा एक पीडीएफ रिलीज किया जाएगा, ठीक है। और जो एडवांस कोर्स में पटवारी वाले ज्वाइन किए हैं उनको भी दो तीन वीडियो के बाद पीडीएफ को हम अटैच करेंगे ग्रुप में, ठीक है ना। तब तक वीडियो देखिए, और जो एडवांस वाले ग्रुप वाले हैं और जो पहले पटवारी वाले हैं तो उनको भी सब कुछ टाइम बाई टाइम दिया जाएगा। मैथ्स की क्लासेस भी चालू की जाएगी। आप सीजी छत्तीसगढ़ जीके की क्लास लगभग कंप्लीट होने की स्थिति में है, अराउंड 47-48 क्लास हो चुका है, मान के चलिए आपका 60 क्लास में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। छत्तीसगढ़ टॉप 60 ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो नंबर दे दिया हूँ मैं आपको, तो आप इस नंबर पे कॉल करके मुझसे बात कर सकते हैं और किसी भी माध्यम से जुड़ के अपनी तैयारी घर बैठे सुनिश्चित कर सकते हैं, जो करना चाहते हैं वो, ठीक है। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।